मुल्क भर में एक बार फिर गैस बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। पोर्ट कासिम एंग्रो एलएनजी टर्मिनल 60 के लिए बंद हो गया है। आपको इस हवाले से आगाह करें, 60 घंटे के लिए बंद हो गया है। तर्जमान टर्मिनल का कहना है कि एलएनजी टर्मिनल मरम्मती काम के लिए बंद किया गया है। अंजुम आपसे मजीद जानेंगे, अंजुम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन कबल भी यह बुरान जारी था, लेकिन अब एंग्रो का एलएनजी टर्मिनल दोबारा बंद हुआ है। ये तकरीबन 3 दिन के लिए बंद हुआ है। ये हफ्ते की रात को 8 बजे खुलेगा और योमिया यहाँ से 660 MMCFD गैस की फरहमी एलएनजी की होती थी, अंदरून मुल्क की जाती थी। अब योमिया 660 MMCFD गैस की कमी होगी, जिससे पंजाब में और सिंध में भी गैस का बुरान पैदा हो सकता है। तहम एंग्रो टर्मिनल की इंतजामिया का कहना है कि ये मामूल की मेंटेनेंस है और 3 दिन के लिए इसको लाजमी बंद करना था, क्योंकि इसमें कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनको रहते हैं ना, उनकी सफाई करना जरूरी होता है। तो ये 3 दिन के लिए बंद है। 3 दिन बाद ये हफ्ते की रात 8 बजे दोबारा यहाँ से गैस की फराहमी शुरू हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका।